हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है नाइट सेफ्टी। जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहती हैं और कंस्ट्रक्शन साइट रहता है, वहाँ पे क्या है, नाइट शिफ्ट्स होती हैं। ठीक है, तो नाइट शिफ्ट जब चल रही है तो देखिए, डे शिफ्ट रहती है उसमें तो ऑलरेडी इतनी लाइट होती है कि आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, पर जब नाइट शिफ्ट चलती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, नाइट शिफ्ट में क्या रहता है, अब जहाँ लाइट है वहाँ तो आप वर्क कर पाएंगे, पर जहाँ लाइट नहीं है उधर कैसे वर्क करें। तो आपको ये चीज़ें, जब भी आपकी नाइट शिफ्ट चल रही है और आपका कोई भी वर्क वहाँ उस समय पे, नाइट शिफ्ट में मान लीजिए कोई ऐसी जगह वर्क है जहाँ पे प्रॉपर लाइट मैनेजमेंट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करवानी होंगी, और ऐसा अगर है तो वहाँ पे लाइट सिस्टम जो है वो ठीक करवाना होगा। ठीक है, तो नाइट वर्क सेफ्टी में सबसे ज़्यादा ध्यान यही दिया जाता है कि होने वाले जो एक्सीडेंट्स हैं नाइट में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पूरा EHS यानी कि हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट इंजीनियर जो रहते हैं, पूरा डिपार्टमेंट जो रहता है वो ये पहले ही प्लान कर लेता है कि अगर कोई भी नाइट शिफ्ट चल रही है तो उससे पहले 3 घंटे पहले सारी चेकिंग हो जाए कि क्या साइट पे जो भी इंजीनियर है वो है, अवेलेबल है या नहीं, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पूरा है या नहीं, लाइटनिंग अरेंजमेंट पूरा है या नहीं। ठीक है, जो भी इम्प्लॉय हैं उनको पूरे इंस्ट्रक्टेड कर दिया जाता है कि देखिए इस जगह पर अभी लाइटनिंग सिस्टम अच्छे से होना चाहिए, लाइट जो है उसका अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वर्क होने वाला है, आज जो शिफ्ट है नाइट शिफ्ट है यहाँ पर ये वर्क होगा। ठीक है, क्योंकि लेक ऑफ लाइट की वजह से क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, क्योंकि रोशनी नहीं होगी, कहीं ना कहीं वर्कर का ध्यान भटकेगा और ध्यान भटका तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो उससे पहले ये सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं कि नाइट वर्क अगर चल रहा है तो हमको कैसे सेफ्टी मेंटेन करनी है। नाइट टाइम कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क चल रहा है तो आपको एक सेफ्टी प्लान क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसको समझाना होगा वर्क होने से पहले। ठीक है, और साथ में जो कंडक्ट किया है आपने, सेफ्टी मीटिंग आपको कंडक्ट करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग सेशन आपको रखने पड़ेंगे जिसमें कि आप वर्कर को ट्रेंड करेंगे नाइट शिफ्ट में होने वाले वर्क्स के लिए। ठीक है, साथ में जो भी सेफ्टी प्रोग्राम आपने तैयार किया है वो सारे वर्कर्स को अच्छे से पता होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन आपको करनी पड़ेगी एक्सीडेंट्स के लिए। ओवरसाइट्स पे आपका क्या जो रिस्पांस रहा, आपने जो सेफ्टी मीटिंग बिठाई थी क्या वो, उससे क्या रिस्पांस निकला, ऐसा तो नहीं एक्सीडेंट लेवल और इंक्रीज़ हुआ हो, ये सारी चीज़ें आपको फिर रिव्यू लेना होगा नेक्स्ट डे। ठीक है, तो जो भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उसे सोच समझ के कीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट लेवल जो है वो हमें रोकना है, कम करना है, बढ़ाना नहीं है, तो हमको ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी होंगी। नाइट में वर्क अगर होने वाला है तो हमें सेफ्टी प्लान पहले क्रिएट करना होगा, उस प्लान पे वर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वर्कर्स को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, देन उसके बाद हम आगे के स्टेप्स फॉलो कर पाएंगे। कोशिश करें बी ब्राइट एट नाइट, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो हो वहाँ अरेंज करी जाए। ठीक है, खासकर कंस्ट्रक्शन साइट पे, और इंडस्ट्रियल में तो देखिए ये होता है कि जहाँ भी डिपार्टमेंट में वर्क चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जो भी प्लांट है वहाँ पे ऑलरेडी लाइट रहती है, पर कंस्ट्रक्शन में क्या है, ऐसे बड़ी साइट है तो फिर दिक्कत आती है, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि लाइट का अरेंजमेंट अच्छे से हो, क्योंकि जब तक रोशनी नहीं मिलेगी ठीक से तो वर्क ठीक से नहीं हो पाएगा। नाइट जो शिफ्ट रहती है उनके लिए इस तरीके के हेलमेट होने चाहिए जिसकी वजह से अगर वो कहीं भी जा रहे हैं, कोई रास्ते पर भी जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके पास रोशनी हो। ठीक है, क्योंकि हर जगह तो वो टॉर्च ले नहीं सकते, तो हेड टॉर्च का वो यूज़ करें, हेलमेट पे जो अटैच कर सकते हैं, तो इस तरीके से क्या है वो सेफ्टी मेंटेन रख पाएंगे। साथ ही अगर रोशनी उनके पास होगी तो क्या होगा, होने वाले एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्योंकि देखिए रात को होने वाले एक्सीडेंट का मेन रीज़न रहता है रोशनी नहीं थी, रास्ते में चल रहे हैं, कीले पड़ी हुई हैं या कोई भी सामान है नहीं दिखा, गिर गया, चोट लग गई, तो क्या मान लीजिए गड्ढा खुदा हुआ, वहीं पे कोई सामान पड़ा था जिसकी वजह से कोई इंसान गड्ढे में ही गिर गया, तो किस लिए हुआ ये, इसीलिए तो हुआ, वहाँ पे रोशनी नहीं थी, लाइट सिस्टम नहीं था, लाइट अरेंजमेंट नहीं था। तो इस तरीके से अगर वो हेलमेट पहनता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा पाए, तो इस तरीके के हेलमेट से क्या है, जो रास्ते पर वो जा रहे हैं एटलीस्ट क्लियरली देख पाए। ठीक है, इसीलिए जो कॉइजन लगाए जाते हैं वो हाईलाइटेड, उनमें एक स्ट्रिप रहती है जो हाईलाइट करते चमकते हैं, जिससे दूर से लोगों को पता चल जाए कि आगे कुछ तो है। ठीक है, तो जो भी ऐसे कॉइजन्स और बैरियर्स लगाए जाते हैं वो इस तरीके से रहते हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहें, तो इस तरीके की चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अंधेरे में वो रोशनी दे, चमक जाएँ, हाईलाइटेड रहते हैं वो, जिससे कि हम जान सकें कि हाँ जहाँ हम जा रहे हैं, आगे जो जा रहे हैं वहाँ पर क्या है,
कुछ है, खतरा है, हैजार्ड है, ठीक है। तो लेक ऑफ लाइट की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स पे हमें ध्यान देना होगा, खासकर नाइट शिफ्ट जो चल रही है उसके पहले अगर कोई नाइट शिफ्ट लगने वाली है तो हमें सारे अरेंजमेंट वहाँ करने होंगे। ये काम सेफ्टी डिपार्टमेंट का ही रहता है, उन्हीं को सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको यही बताया कि नाइट सेफ्टी आप कैसे रखें, क्योंकि देखिए नाइट शिफ्ट लगती है, सभी जगह होता है, तो कहीं ना कहीं होने वाले एक्सीडेंट्स जो हैं वो रात को ज़्यादातर देखे जाते हैं, तो इस तरीके से हम सेफ्टी रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और नाइट शिफ्ट का देखिए ये है, जैसे कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि जब बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, मई जून की जो धूप है उसमें क्या है, वर्कर ज़्यादा वर्क नहीं कर पाते क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट लगती है उनकी, तो तब भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये होता है नाइट में अगर वो वर्क करते हैं तो वो धूप से जो डिहाइड्रेशन होता है, जो बीमार पड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाती हैं। पर लाइट ना होने की वजह से, लाइट के अरेंजमेंट नहीं होने की वजह से क्या हो सकता है, लाइट के नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो जब भी ऐसा कंस्ट्रक्शन साइट की नाइट शिफ्ट चल रही है तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिससे कि जो वर्कर हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज ही मैंने आपको नाइट सेफ्टी के बारे में बताया, ठीक है। तो याद रखिए, बी ब्राइट, बी सेफ। सो थैंक यू, आज का टॉपिक जो था वो नाइट सेफ्टी के ऊपर था।